बालाघाट के उपनगरीय क्षेत्र बूढ़ी में हर साल की तरह इस बार भी परंपरागत तरीके से मारबत का पर्व मनाया जा रहा है। यहाँ पर बुरी ताकतों और जो आसुरी शक्तियाँ होती है उसको दूर भगाने के लिए मारबत के प्रतीक पुतले से यहाँ के लोग याचना करते हैं और हर साल मारबत का एक पुतला निकालकर उसका बाद में दहन किया जाता है। आइए समझते हैं स्थानीय लोगों से ही क्या मान्यता है इस पर्व की और वे इस पर्व को कैसे मना रहे हैं। क्या नाम आपका? लल्लू। कपीस बोरीकर। कपीस, ये बताएंगे किस तरह से ये पर्व मनाते हैं आप लोग हर साल? ये पर्व परंपरागत मनाते हुए आया जा रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी से हमारी। अब हमें भी पता नहीं कब से मनाते हुए आ रहे, जब से स्टार्टिंग हुआ जब से मनाते हुए आ रहे। ये बुराई पे अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है और पूरी बीमारियाँ जो है इसके साथ में हम ले जाकर विसर्जन करते हैं। भटेरा में नाके के पार इसको ले आकर हम जलाकर विसर्जित कर देते हैं। हर साल कुछ ना कुछ संदेश देते हैं आप लोग मारबत पुतले के माध्यम। इस बार का क्या संदेश है आप? इस बार का संदेश यही है, कोरोना को ले जाए। कोरोना से नारबुत डर गई और महंगाई से मर गई। महंगाई से कौन मर गई? जनता मर गई। आपको लग रहा है महंगाई बहुत ज्यादा? बहुत ज्यादा। हम धुआं डीजल का और गैस का प्रतीक भी हमने दिए है वहाँ पे नारबुत के पीछे में। गैस का प्रतीक और तेल का प्रतीक हमने दर्शाया गया है वहाँ पे। इस बार बूढ़ी के नारबोत जुलूस में खास आकर्षण का केंद्र मारबत का पुतला रहा। इस पुतले के पिछले हिस्से में महंगाई और कोरोना पर निशाना साधा गया। एक प्ले कार्ड पर लिखा गया कि कोरोना से डर गए तो महंगाई से मर गए। गौरतलब है कि बालाघाट में यह पर्व हर साल परंपरागत तरीके से मनाया जाता है। इस दौरान क्षेत्र के युवा बच्चे मारबत पुतले के साथ जुलूस निकालते हैं और घर घर में जाकर बोझारा मांगते हैं। इस पर्व की मान्यता है कि जब बारिश के दौर में बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाता है तब लोग इससे बचने के लिए मारबत के प्रतीक पुतले से सभी प्रकार की अला बला और बीमारियों को टालने के लिए घेवन जारी मारबत का उद्घोष करते हैं। इसके बाद शहर की सीमा के बाहर में बाजे गाजे के साथ पहुंचकर पुतले का दहन कर देते हैं। इस समय जो जुलूस निकाला जा रहा है इसके क्या सोच है, लोगों की क्या मंशा है? ये हिंदू धर्म का पारंपरिक पर्व है। इस पर जितनी बुराइयां हैं समाज में फैली हुई बुराइयां हैं, कुप्रथाएं हैं, असुरी शक्तियां हैं, उनका हम आज प्रतीक के माध्यम से हमारे बूढ़ी नगर से निकाल करके नगर के बाहर ले जा करके इसका दहन करके उस सारी बुराइयों को नष्ट करने के लिए यह पर्व मनाया जाता है। तो बूढ़ी में परंपरागत तरीके से हर साल की तरह इस साल भी मारबत का पर्व उत्साह और जोशोखराश के साथ में मनाया जा रहा है। इस बार स्थानीय लोगों ने जो थीम दी है मारबत पर्व की वो ये है कि कोरोना से डर गए तो महंगाई से मर गए। कुछ इस तरह की थीम दी है क्योंकि इस समय देश में जिस तरह से महंगाई बढ़ी हुई है, पेट्रोल के दाम हो, चाहे गैस सिलेंडर के दाम हो या फिर खाद्य पदार्थों के दाम, जिस तरह से महंगाई की आग में लोग झुलस रहे हैं उसी को लेकर इस बार मारबत पर्व की थीम कोरोना से डर गए तो महंगाई से मर गए दी गई है। बालाघाट न्यूज़ के लिए यमलेश वंजारी।